Good morning, everyone. Continuing with our next topic, reasons for not using brand. Several manufacturers हैं जो अपने product के लिए brands जो है वो use नहीं करते हैं. उसके लिए कुछ reasons हो सकते हैं. हो सकता है उनका जो product है उस nature का ना हो या quality maintain करने पे वो खर्चा ना करना चाहते हो. तो क्या है हम देखते हैं. सबसे पहला है nature of product. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ब्रांडिंग करना पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, केरोसिन ऑयल एसेट्रा. देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्वालिटी मेंटेनेंस. ब्रांडिंग जो है अगर आप कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है प्रोड्यूसर के ऊपर कि उसे एक लेवल ऑफ क्वालिटी जो है मेंटेन करना पड़ता है. और अगर मैन्युफैक्चरर एबल नहीं है वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए तो वो ब्रांड यूज नहीं करेगा. नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएटिंग. कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ प्रोडक्ट को. फॉर एग्जांपल वीट, कॉटन, कोल, पिंस, नेल्स एसेट्रा में, तो उस केस में उन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग आप नहीं करते हो. नेक्स्ट इज योर कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन. जो मेन रीजन है नॉन यूटिलाइजेशन का ऑफ अ ब्रांड, दैट इज कि लॉसेस आपको ना हो. क्योंकि अगर आप एक ब्रांड यूज कर रहे हो और क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो जो कंज्यूमर है वो डिससेटिस्फाई होगा, जिसकी वजह से आपको लॉस होगा. तो इसीलिए जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ब्रांड नेम्स यूज नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए. देन नेक्स्ट इज बिलो क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अगर एक जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर क्वालिटी से भी नीचे है तो वो ब्रांड यूज नहीं करेगा, क्योंकि जो रेपुटेशन है प्रोडक्ट की वो इफेक्ट होगी जो दूसरे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर बना रहा है उनकी भी. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्रांड टेस्टिंग. जो ब्रांड है एक प्रोडक्ट का वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन मार्केटिंग द प्रोडक्ट. एक बार जब आपने ब्रांड चूज कर लिया तो वो इंटीग्रल पार्ट बन जाता है आपके प्रोडक्ट का. और मोस्टली जो ब्रांड है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होते हैं, लेकिन नाउअडेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप ब्रांड नेम्स यूज करते हो. तो जो ब्रांडिंग है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हार्डली कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो बिना ब्रांड के सेल हो रही है. तो जो बेसिक रीजन है वो ये कि मोस्ट ऑफ दी जो कस्टमर है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं और उसके लिए वो ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी होते हैं. तो जो ब्रांड टेस्टिंग है वो जरूरी बन जाती है मैन्युफैक्चरर के लिए. तो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप ब्रांड टेस्टिंग कर सकते हो. पहला है मेमोरी टेस्ट. इस टेक्निक के अंडर कुछ ब्रांड नेम्स जो सिलेक्ट किए हैं मैन्युफैक्चरर ने वो एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करता है, और कुछ टाइम के बाद जो कस्टमर्स हैं उन्हें दोबारा बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि कौन कौन से जो ब्रांड नेम्स हैं जो आपको पहले बताए गए थे वो आपको याद है. जो ब्रांड नेम मैक्सिमम जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं वो रिकॉल कर पाते हैं या लाइक करते हैं उसे सेलेक्ट किया जाता है. देन नेक्स्ट इज प्रेफरेंस टेस्ट. इस टेक्निक के अंडर एक जो लिस्ट है सिलेक्टेड ब्रांड नेम्स की या मार्क की वो आप प्रेजेंट करते हो एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के सामने, और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आप इसे रीअरेंज करिए इन नेम्स को इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. तो जिस नेम को ज्यादा स्कोर मिलेगा प्रेफरेंस का कंज्यूमर से उसे आप सेलेक्ट करते हो. नेक्स्ट इज एसोसिएशन टेस्ट. इस टेक्निक के अंडर कुछ ब्रांड नेम्स जो हैं कस्टमर को आप बोल के बताते हो या फिर आप उसे लिख सकते हो कार्ड पर, और उसके बाद आप उनसे बोलते हो कस्टमर से कि वो राइट डाउन करें नेम्स जो उनके माइंड में सबसे पहले और इजीली आता है. तो जो नेम स्कोर करेगा फर्स्ट पोजीशन और जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पर्संस ने लिखा होगा उसे आप सेलेक्ट करते हो एज द ब्रांड. देन नेक्स्ट इज लर्निंग टेस्ट. इस टेक्निक के अंदर एक लिस्ट कुछ पॉसिबल ब्रांड नेम्स की विद स्पेलिंग आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को देते हो, और उसके बाद उनसे प्रनाउंस करने के लिए बोलते हो या राइट करने के लिए बोलते हो डिफरेंट ब्रांड्स के नेम. तो जो ब्रांड नेम प्रनाउंस होगा इजीली और करेक्टली रिटर्न होगा उसे आप सेलेक्ट करते हो. देन नेक्स्ट इज यूनिक टेस्ट. इस टेक्निक के अंडर जो ग्रुप ऑफ कस्टमर है पहले उन्हें प्रपोज्ड ब्रांड नेम जो है प्रोडक्ट का वो दिया जाता है, उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आप सिमिलर नेम जो रिसेंबल कर रहे हैं प्रपोज्ड ब्रांड नेम को
प्रोड्यूसर के उसे लिखी है, और इस टेस्ट से जो प्रोड्यूसर है वो इजीली समझ सकता है कि जो अदर ब्रांड नेम्स हैं वो कौन से हैं, जिससे जो उसका खुद का ब्रांड नेम है लोग उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब अगर आपने जो ब्रांड नेम दिया है अगर उसके कंपैरिजन में जो कंज्यूमर है वो कोई और ब्रांड नेम लिख रहा है, तो मैन्युफैक्चरर को पता चल जाएगा कि कौन सा जो प्रोडक्ट है जिसके ब्रांड नेम के साथ जो मैन्युफैक्चरर का ब्रांड नेम है वो कंफ्यूज हो रहा है। तो कीपिंग इन व्यू जो रिप्लाइज आ रही हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो यूनिक ब्रांड नेम या अपने खुद के ब्रांड नेम को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो एक जो मैन्युफैक्चरर है वो इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकता है एज पर हिज कन्वीनियंस और मीन्स अवेलेबल। तो जो ब्रांड सेलेक्शन है डेलिकेट जॉब है, कोई ज्यादा जल्दबाजी उसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब ब्रांड आपने डेवलप कर लिया है तो वो कंपनी के लिए यूजफुल एसेट बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैकेजिंग, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।